अरे शंकर, स्वामी जी को देखने पूरा गांव जा रहा है, आप नहीं चलेंगे? कैसे जाएं? पता चला है कि राजमहल में लोग आने वाले हैं और वो 2-3 दिन तक वही रहेंगे, उसके बाद वो मेरे नाम हो जाएगा। 5 साल से महल बंद पड़ा है, इसलिए इनसे साफ सफाई करवाऊंगा। उनकी लड़की भाग गई थी, वो लड़की कहाँ है पता चल गया है, उसी के साथ बाकी लोग भी आने वाले हैं। स्वामी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ठीक है ठीक है। हाँ भाई चलो। भाई साहब, ये कौन से राजमहल की बात कर रहे हैं? आप गांव में नए हो इसीलिए शायद आपको पता नहीं, गांव के बाहर पुराने जमींदार का राजमहल, काफी एकड़ तक फैले हुए इस राजमहल की कीमत करोड़ों की है। फिलहाल उसकी देखभाल हरिशंकर ही कर रहा है, शंकर के रिश्ते उनसे बड़े पुराने हैं, इसीलिए ये राजमहल उसे थोड़ी कम कीमत में मिल गई। लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है, जमींदार के 3 वारिस हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। उनकी बेटी जवानी में ही नौकर के साथ भाग गई थी। मामला ये है कि लड़की के साइन के बिना राजमहल दिखेगा नहीं, इतने दिनों से उसे ही ढूंढने में लगे हुए थे। अब शायद वो लड़की मिल गई है, इस सौदे से हरिशंकर को करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। चलो चलो उतरो, काम में लग जाओ, चलो फटाफट। ए भाई चल आगे चल, ए चल तू भी चल आगे चल। हम सब चलते हैं। माता के त्योहार की तैयारियां ठीक चल रही है ना? तैयारियां हो रही हैं स्वामी जी, अगले शुक्रवार को हमारे गांव की माता की सवारी है। एक बात कहूं स्वामी जी, आप यहां तक तो आए मगर हमारे गांव नहीं आ रही, ये बात अच्छी नहीं लगी। आप लोग तो जानते हैं मैं जिस शांति यज्ञ के लिए जा रहा हूं वो कितना जरूरी है। वो तो है स्वामी जी, लेकिन जब सही समय होगा तो मैं स्वयं ही चला आऊंगा। क्या मालिक, बीच घर में सांपों ने बम्बी बना दी? 5 साल से महल बंद पड़ा था तो और क्या होगा? लेकिन मालिक यहाँ तो हमने... चुप कर, तू फालतू की बात मत कर, चल जा और उसे तोड़ दे। स्वामी जी, अगर आपके चरण हमारे गांव में पड़ जाते तो हम सबको आशीर्वाद मिल जाता। साहब को चोट लग गई होगी, उसी का खून है। मालिक देखिए मुझे क्या मिला। आ रहे हैं। आपके गांव में मेरे आने की संभावना बहुत जल्द बन रही है स्वामी जी। आपके गांव में कुछ भयानक घटनाएं होने वाली हैं। सबको संभल कर रहने की आवश्यकता है। बावर्ची की लिस्ट में जो भी सामान था वो मैं लेकर आया हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया यार, वहाँ मेरी चाची की तबीयत खराब है, ना जाने वो कब चल बसे। सोच रहा हूँ गांव जाके आ जाऊँ। 2-3 हफ्ते की तो बात है, तब तक मेहमान आकर चले भी जाएंगे। अरे कहने की बात है, वो महीना भर खींच देंगे। चाची ने मुझे पाला है, अब आखिरी समय में मैं उनके साथ ना रहूं तो जरा सोचो मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम लोग को बिना बताए भाग जाऊंगा मैं यहां से, उसके बाद ढूंढ लेना दूसरा बावर्ची। तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहो, शाम हो गई है, मैं अपना बंदोबस्त करके आता हूं, मेरा ऑमलेट बनाकर रखना। तुम भी हुक्म चलाओ मुझ पर, सच में भाग जाऊंगा। वहां पे कोई खड़ा है क्या? छह, बिजली को भी इसी समय पर जाना था। है? कौन है, कौन है? है?
अरे कोई जवाब क्यों नहीं देता? कौन है? अरे कौन है? तुम सामने क्यों नहीं आते? ईश्वरी कहाँ हो तुम? अरे भाई हटो। अरे भैया मैं यहाँ हूँ। अरे ईश्वरी मेरी बैग लाओ, ये बैग मुझे दे दो। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ये मेरा बेटा है। अरे जीजा जी, आपकी धोती कहाँ है? अरे धोती दे, मेरे पति की धोती अंदर रह गई, तू ढूंढ कर पहन ले। धोती का ध्यान तो रख नहीं पाता, पता नहीं ये तुम्हारा ध्यान कैसे रखता होगा। देखिए यूं ही आपके ताने सुनने के लिए अब आपका नौकर नहीं रहा। यहाँ के राजमहल का मैं दामाद हूँ, इज्जत देनी है तो दीजिए, वरना मैं अभी का अभी वापस जाता हूँ। अरे नाराज क्यों हो रहे हो जीजा जी? आप आए तो मुझे कितनी खुशी हो रही हो, ऐसा पता गले मिलो। आओ ना जीजा, घर चलते हैं। अगले रविवार मेरी बहन की सगाई है, आप लोग जरूर आइए। ठीक है जी। हाँ, जरूर आएंगे। अरे क्या देख रही हो, पहचाना नहीं है कौन है? हमारे दोस्त रघुवीर की बेटी है। मेरी तरह लड़कियों को इज्जत की नजर से देखना सीख। अरे चुप करो, इस नालायक के पीछे जो आज तक खर्चा हुआ है वो वसूलने का टाइम आ गया है। अगर मेरी बेटी ने इसे पटा दिया तो उसकी पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी, और वो उसकी इकलौती बेटी है। तू परेशान मत हो मां, मैं पटा दूंगा। मुंबई से बड़े भैया के बेटे नहीं है? कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है ना, ऑन द वे अपनी बीवी को नजारे दिखाते हुए लेकर आ रहे होंगे, रोड पर रोमांस चल रहा होगा। मुझे लगता है सारे रिश्तेदार आ गए होंगे, उनसे भी मिल लो। अरे आओ बेटा आओ, कैसे हो? पूरा शहर घूम आए क्या? अरे आओ आओ, तुमने मुझे पहचान लिया? ईश्वरी बुआ, जो महल छोड़कर भाग गई थी, ये वही है ना? वो तो कितनी पुरानी बात है। अब अंदर चलो। थैंक यू मुरली, मुझे कर्जे चुकाने के लिए महल बेचना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पापा होते तो मुझे ये कभी नहीं बेचने देते। चाचा जी, वैसे भी इस महल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर इसे बेच कर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना। खा लिया तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी सब बातों को मानूंगी, पर मेरी माँ चिल्लाएगी। किससे बात कर रही हो बेटा? मेरी बेटी है मिमसा, दिमाग से कमजोर है, बाकी सब बढ़िया। रात को मुझे मिलने आना। गांव घूम लिया तुमने? कैसा लगा हमारा गांव? सुपर्ब है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राजमहल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे पति अभी तक सोने नहीं आए। छोड़ो, जब आएंगे तब देख लूंगी। मैं थक गई। माधवी, माधवी। हाँ? 11 बज चुके हैं, चलो सोने चलते हैं। जरा एक मिनट, ये मेल भेज कर आती हूँ।
ठीक है जल्दी आना। बेवकूफ आदमी, कहाँ गए थे जो इतनी देर लगा दी आने में? क्या बात है ईश्वरी, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम बाथरूम में कब गए? क्या बताऊं, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी इसलिए आधे घंटे से अंदर ही बैठा था। तुम आधे घंटे से बाथरूम में हो? अब तो ये कौन है? क्या हुआ? ऐसा लगा यहाँ मेरे साथ कोई है। डरो मत, मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं झेल सकता। चलो छोड़ो, चुपचाप सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सो जा। दादी ने कहा था कि इस महल के राजा की वो गर्लफ्रेंड थी। अगर उन दोनों की तस्वीर मुझे इस महल में मिल जाए तो मैं भी रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा और इस महल पे जो मेरा हक है वो भी मुझे मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद आप इस राजमहल के राजा और हम सेनापति बॉस। बॉस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात तो बहुत अजीब लगी। वो कौन सी बॉस? अक्सर हम वो चीज फेंक देते हैं जो हमारे लिए बेकार हो, लेकिन बेकार होने के बाद मेरी दादी मेरे लिए इतने काम की होगी ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी दादी माँ वो 100 में से एक थी। पटाका थी बॉस। क्यों बे, मेरी दादी के नाम से तेरा मुंह क्यों खुल गया? मेरा मुंह वहाँ देख के खुला। ये कौन है बे? गार्डन के बीच में कैक्टस के पेड़ की तरह अचानक आकर खिल गया? ये चोर है बॉस, मुझे लगता है यहाँ राजमहल में चोरी करने आया होगा। मेरी जायदाद पे ये कैसे चोरी कर सकता है? ये मेरी दादी की मेहनत है बे, इससे तो मैं क्या कर रहा है। कौन है? ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। ये पत्थर पत्थर खेल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत की तुम्हारी भाभी को ये पत्थर से मारे? जरा डंडा दे, मैं इस मजनू को अभी सबक सिखाता हूँ। आओ मेरे पीछे। अरे क-
कहाँ गया? ढूंढो। यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। तुम्हें मेरी फोटो चाहिए? ऐसे पकड़ोगी तो मैं असली चोर होता तो भी भागने की कोशिश नहीं करता। मैं चोर हूँ। चोरी मत छोड़ो। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मैडम, इसके बॉस हम लोग हैं। हम सरेंडर करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं इनका बॉस हूँ। मुझे पकड़ो। इसकी बॉस हो? पता नहीं था चोर की किस्मत इतनी अच्छी होती है। क्या दुनिया है, एक लड़की के लिए अपने बॉस से धोखेबाजी कर दी। इनकी तो मैं अब देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। चोरी करने आए थे, मैंने नहीं पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, हमें देखो हम क्या चोर दिखाई देते हैं। घर में खाना बनाने की नौकरी मांगने आए थे मालिक। मालिक कहाँ? इसने मुझे मालिक बुलाया, इसने मुझे मालिक बुलाया। अरे चुप करो। क्यों भाई, अगर काम मांगना था तो अकेले आते, ये दो चमचों को लेकर साथ भजन करवाने आए हो। मेन खाना तो मैं बनाता हूँ, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन डालने के लिए ये दो असिस्टेंट रखे हैं। असिस्टेंट क्यों? मुझ पर पत्थर फेंकने के लिए? हाँ, पत्थर हमने नहीं मारा, वो एक बटला सा आदमी। ठीक है ठीक है, काम तो मिल गया ना, अब ये सब बातें किस लिए? यहाँ क्या हो रहा है? महल के मालिक ने नया बावर्ची रखा है। हम लोग यहाँ हफ्ता 10 दिन रहने वाले हैं। जैसे ही दस्तावेजों के काम खत्म हो जाएंगे, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई यही मालिक है यहाँ के, चलो अपना काम करो। चलो भाई तुम भी चलो। अरे अरे सुनो, तुम मास्टर शेफ हो या नहीं ये मैं जज करके बताऊंगी। सैंपल के तौर पर कुछ बना के दिखाओ। बताइए क्या बनाना है। चिकन मसाला, मच्छी फ्राई, मटन कुरमा, अंडा करी, कॉर्न सूप, झींगा रोस्ट और भेजा फ्राई, ये सब बनाकर दिखाओ। रात के लिए क्या बनाना है इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब पता चल गया राजमहल क्यों बिक रहा है, क्योंकि इनके खाने का खर्चा बहुत है। फोटो का पता लगाकर अपना हिस्सा लेके उड़ लेंगे। किसके पीछे भागती रहती हो बेटा? बेचारी बच्ची, तुम्हें इसी किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना चाहिए। सब करकर देख लिया साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बेटी धीरे, गिर जाओगी। कैसे हैं वो? अब ठीक है। क्या भैया, आप पेट्रोल पंप में जैसे मीटर देखते हैं वैसे घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? ए चोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा बावर्ची तो बिना बताए कहीं चला गया, और इसे खाना बनाना आता है तो हफ्ता 10 दिन के लिए इसे रख लिया। ये पहले की तरह नहीं है, बदल गया है। ईश्वरी जी, ये सब लोग मेरे आसपास क्यों खड़े हैं? मालिक, मुझे क्या हुआ है? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। ईश्वरी जी कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? ईश्वरी जी, आपको मैं पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ। आपके दीदार के लिए मैं हमेशा तड़पता था। कल के रजिस्ट्रेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, उसके बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा एक और बात, अगर ओरिजिनल पेपर्स देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बेटी जरा पेपर्स लेके आना। क्या हुआ? अरे यहाँ पानी कैसे भर गया? पता नहीं कैसे, लेकिन अलमारी में पूरा पानी भर गया था। देखो ऊपर पाइपलाइन टूट गई है, वहीं से पानी अलमारी में आ गया होगा। अरे बाप रे, सारे पेपर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अरे अब क्या करें?
डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। आप लोग शहर जाओगे तो काम जल्दी हो पाएगा। वहाँ जाकर जल्दी वापस आना बहुत मुश्किल है। मुरली, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेरे पहचान के 2-3 लोग हैं, तुम साथ चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वहाँ रुक कर काम करवाना ही मुझे ठीक लग रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, काम जल्दी खत्म होगा तो हम जल्दी निकल पाएंगे। क्यों? यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे मुझे डर लग रहा है। कैसी चीजें? मेरे साथ रहो ना प्लीज। अरे महल में इतने सारे लोग हैं ना, बस कुछ दिनों की बात है। ये जो भी तुम सोच रही हो तुम्हारे दिमाग का वहम है, जस्ट रिलैक्स। ओके, अचानक शहर जाना पड़ रहा है इसीलिए किसी को कार्ड नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बहन की सगाई में आप सभी को आना है। हाँ, हम जरूर आएंगे। आप लोग जल्दी लौटना। चले? हाँ हाँ चलो। लहसुन और प्याज। अच्छा, किस किस रूम में क्या क्या है सब पता लगा लिया ना? हमने सब पता लगा लिया बॉस। दूसरे माले पर माया है, बाईं तरफ माधवी और दाईं तरफ ईश्वरी नाम की औरत है। और काम वाली बरामदे में सोती है। फोटो कहाँ पे है ये देखने बोला तो औरतें कहाँ सो रही हैं ये देख के आयो? मेरी दादी के उस ऐतिहासिक फोटो में मेरा भविष्य टिका है। मैं भी इस महल का वारिस हूँ, ये साबित करने का बस यही एक तरीका है। कैसे भी करके उसका पता लगाना पड़ेगा। बकवास बंद करो और जल्दी सो जाओ। तुम्हारे चेहरे पे 2 किलो वजन कम लग रहा है। मुझे ट्रिप जो कर ली है मैंने। मालिक, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं मालिक नहीं, तुम लोगों की तरह ही नौकर हूँ। उसके दिमाग में चोट लगने से 25 साल पीछे चला गया। मुझे ट्रिम करके 25 साल घटा लिए हैं उसने। तू भी मुझे कटाएगा तो सम्मान लगेगा। कर्मा करम दूत, ईश्वरी जी, आई एम कमिंग। कई लोग प्यार करके पागल हो जाते हैं, लेकिन ये तो पागल करके प्यार करने लगा है। ए, चलो हम अपना काम करते हैं, चलो। ओए माँ, इसने तो पूरी गैलरी खोल रखी है। बॉस, तुम्हारी दादी की तरह उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अपनी जबान पे लगाम दे सांड, बकवास बंद करो, फोटो ढूंढ। बॉस, मिल गई। इधर ला। ये मेरी दादी जैसे नहीं दिखती है। ये तुम्हारी दादी नहीं है बॉस, ये मेरी दादी है। मतलब तुम्हारी दादी भी इनकी गर्लफ्रेंड थी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब हम दोनों के दादा एक ही हुए हैं। घूंसा मारूंगा। कुछ भी बोलता है, गांव भर की औरतों को उसने बीवी बनाकर रखा था। ज्यादा उछलेगा ना तो सारा गांव हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। राजमहल के हिस्से करेंगे ना तो हिस्सा तो छोड़ो, एक ईंट भी नहीं मिलेगी। तो हमारे इतने दिनों की मेहनत वेस्ट हो गई क्या बॉस? हमने कहां मेहनत की, हमारी दादियों ने मेहनत की थी। अरे मेरे तो 4 आए हैं, अब तुम्हारी बारी। अरे बेटी, किसके साथ खेल रही हो? दीदी के साथ। दीदी के साथ? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, दीदी सामने ही तो है। इसे शायद लगता है मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, जरा अपने दीदी को खेलने को तो बोल। दीदी खेलो ना। ऐसे भागा जिसने अभी अभी मिल्खा सिंह की फिल्म देख ली हो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? आराम से मैं बताता हूँ। वो जो भागा है वो दिन के उजाले में घबराता है, और ये तो इतना बड़ा महल है। अरे तुम इस हालत में बाहर आ गए? वो क्या है कि मालिक, मैं तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या रे मेरे साथ क्या हुआ, क्या बताऊँ आपको? अब बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ईश्वरी जी को मैं अपना बनाना चाहता था ताकि आप मुझे अपना दामाद बना लें, इसलिए मैंने थोड़ी कोशिश की लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये मेरे पति है, क्या कर रहे हो? दूर हटो, इतने सालों से जो मौका मुझे नहीं मिला था वो आज मिला है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारूंगा। ये तुम्हें किस किस तरीके से पटाता था ये आज मुझे पता चला है। रानी, क्या है इस घर में, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो तुम घबराना मत, सुनो ना, डर लगे तो मेरे पास आ जाना, किसी और को ढूंढ लेना, नशेबाज इंसान। ठीक है, भाव क्यों खा रही हो? डरा दिया क्या? दीदी ने तुम्हें बुलाया है। दीदी ने या माँ ने? दीदी ने।
पागल लड़की, माँ को दीदी कह रही है। ठीक है, मिलकर आता हूँ। रानी, रानी कहाँ चली गई मुझे यहाँ बुला के? अच्छा, तो मेरे साथ खेल रही हो। ठीक है, चलो खेलते हैं। अरे रानी कहाँ हो? बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, अब और मत तड़पाओ। अरे राजेश भाई, वो ड्राइवर कहाँ गया है? उसे ही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने हरिशंकर से कहा था कि नशेबाजों को काम पर ना रखे, अब वो दारू पीकर कहीं पड़ा होगा। जब तक वो आएगा तब तक माता के दर्शन का समय निकल जाएगा। जाओ तुम ऑटो से चली जाओ। आप नहीं आ रहे? नहीं बेटी, मुझे शहर में थोड़ा काम है, उसे खत्म करके आता हूँ। मंदिर के चेयरमैन को फोन कर दिया, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज यहाँ कौन सा त्योहार है? इस गाँव की माता जी का त्योहार है। शिवरात्रि के दिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। 150 साल के बाद ऐसा ग्रहण लगने से माता के ऊपर दोष लग सकता है। आगे की बात तुम बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव पर भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए आसपास के 8 गांव की माताओं को सजा धजा कर सूर्य ग्रहण के दौरान त्रिवेणी संगम पर नदी में उतारेंगे। ये करने से ही शायद दोष दूर हो सकता है। और आज हमारी गाँव की माता का प्रस्थान है। हाय, आंटी जी क्या है? सामने से एक लड़का मुझ पर फूल फेंक रहा है। कहीं वो पालकी उठाने वाला छठवा आदमी तो नहीं है? आपको कैसे पता चला कि वही है? तुमसे पहले उसने मुझ पर फूल फेंका था। क्या उसने आप पर भी फेंका? क्यों रे, मुझ में क्या कमी है? खूबसूरती के मामले में तुम्हें और मुझ में बस कुछ ही इंचों का फर्क है। आंटी जी उसने फिर से फूल उठा लिया है। है ना वो कमाल के? त्योहार में आए हो, पालकी उठाए हो, माता के दर्शन करो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि तुम लड़कियों पे फूल फेंक रहे थे। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ चलो। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात वो जानती है क्या? अभी अभी तो हम दोनों इशकजादे बने हैं, रोमियो जूलियट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जीप लेकर भैया यही आएंगे कहा था, लेकिन गायब कहाँ हो गए? आंटी जी सर, मेरे पीछे देखिए। हाँ थोड़ी मोटी हो गई हो। वो नहीं, पीछे देखिए मेरे। ओह माय गॉड, ये आदमी यहीं पर घूम रहा है। चलो जल्दी चलो। चलिए। हट्टी कट्टी गोरी खूबसूरत लड़की क्या देख ली? अच्छा।
अच्छे अच्छे आदमी फिसल जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, भगवान ने मुझे इतना सुंदर जो बनाया है। ये थोड़ा टू मच नहीं हो गया? बुआ, क्यों? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तुम्हें अब तक पता कैसे नहीं चला? हाय हाय, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, बाप रे, वो मुझे भी फॉलो कर रहा है। अरे बाप रे, वो मोबाइल से तीनों की फोटो खींच रहा है। हाय हाय, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो डर लो, समझ में नहीं आ रहा है हम अपने आप को कैसे बचाए। अरे वाह, सही वक्त पर मेरे पति आ गए मेरी रक्षा करने के लिए। अरे जियो मेरी शेर, वाह वाह। क्यों बे, हम पर फूल फेंकता है? ये ले, मैं तुझ पर पूरा का पूरा गुच्छा फेंकती हूँ। ईश्वरी जी, आजा आजा, हिम्मत है तो आप पास आके दिखा। अरे क्या बार बार रुक जाओ कह रहे हो? अरे उसकी कमर टूट जाए, ऐसे अपने डंडे को घुमाकर फेंको तो सही। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, इसे मारने के लिए लाठी नहीं उठाई है, मैंने ये लाठी अपने सहारे के लिए उठाई है। अपने पैरों पे खड़ा था मैं, उसके एक ही पंच ने मुझे लाठी पकड़ा दी। हमारी रक्षा करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। साथ फेरे वाला भले ही कमजोर हो, लेकिन गांव वालों में जोर है। अब हमें यहाँ रुककर तमाशा देखना चाहिए। भैया इसे सबक तो सिखाओ। Come on, attack! चुपचाप सारे जेवर उतार कर दे दो। आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जेवर तो क्या, वो हमारा बाल तक बाका नहीं होने देगा। कराटे वराटे सीख रखे है क्या? Just wait and see. क्या हुआ, तुम्हें पता भी नहीं चला? एक्शन सीन देखते वक्त ध्यान भटकना नहीं चाहिए, अपना सारा ध्यान एक जगह पर फोकस करना चाहिए। सुनो, अपना डंडा देना उसे। डंडा किसने? अरे दो तो बताओ ना। ये लो। ऐसे मुंह पर कोई हाथ पकड़ कर यूं घुमा, फिर उसने डंडा पकड़ा, गोल 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 घुमा कर उसने ऐसे फेंक दिया। सामने वाले को कैसे मारना है ये सोचने की बजाय, सामने वाले के हमले को कैसे रोकें ये सोचे तो बचाव इजी रहेगा। आते आपने झगड़ा शुरू क्यों कर दिया वकील साहब? नहीं, वो क्या है कि हाँ, ये माधवी के भैया है ना। भैया है? हाँ बुआ जी, हाई कोर्ट में वकील है। आप लोग मेरी शादी में नहीं आए थे इसलिए आपको पता नहीं है। ये तुम्हें पहले भी बता सकती थी, लेकिन सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोगों के टाइम पास में मेरी तो हवा ही निकल गई ना। क्या बात है रवि, सक्सेना जी के केस के लिए तुम खुद यहाँ तक आ गए? ये केस इतना इम्पोर्टेंट है क्या? भाई मेरे लिए तो हर केस इम्पोर्टेंट होता है, और कोइंसिडेंटली तुम भी यहाँ हो तो मैं चला आया। ये जगह बहुत प्यारी है और ये महल भी शानदार है। डरावना भी है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो समझ में ही नहीं आ रही है। तुम्हें क्या भूत वगैरह पर भरोसा है? क्या कहा, जो कर रही हो क्या? भूत होते ही नहीं। मैं जानती थी तुम मजाक उड़ाओगे। मैं किसी एक ऐसी शक्ति की बात कर रही हूँ जिसे माया ने भी फील किया है। मुंबई में एक एकड़ की जमीन पर 100 फ्लैट बने होते हैं जिसमें तुम रहती हो, और यहाँ 100 एकड़ में एक महल बना हुआ है। ऊपर से कितने दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है, तो शायद तुम्हें वहम हुआ हो। अरे माधवी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। तुम तो जानते ही हो ना रवि, मेरी एंगेजमेंट के वक्त बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद आया? हाँ याद आया। उस वजह से मुझे कभी बच्चा नहीं हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। ये सब जानकर भी मुझसे शादी की थी,
उसके बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी और कई सारे डॉक्टर्स से मिली। यहाँ आने से पहले भी अपने फैमिली डॉक्टर को टेस्ट देकर आई हूँ। रिजल्ट न जाने क्या होगा उसी टेंशन में हूँ मैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये महल हमें रोक रहा है। सोचा था रजिस्ट्रेशन होते ही चले जाएंगे पर वो भी डिले हो रहा है। कई बार कोशिश की पर उन्हें ये बात नहीं बता पाई। पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों पर विश्वास कर रही है? माधवी तुम बेकार में ही डर रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। मैं हूं ना यहाँ पर, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है? नहीं, कोई था। देखो तुम बहुत परेशान हो, जा आराम करो। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। क्यों आई है? मैडम, आपके राजमहल में कोई वकील आया है? हाँ बिल्कुल, क्यों पूछ रहे हैं? वो वकील नहीं है, क्रिमिनल है। उसने जिन्हें मारा वो अस्पताल में है। युद्ध में से लंबा बाहर निकल गया। और वो नाटा? अरे उसका तो मुझसे कंपटीशन ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह कुछ और है। वो सब हम देख लेंगे, उसे बुलाइए, पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन? पर वो तो घर पर ही नहीं है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्या तुम भी इंस्पेक्टर? इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अकेले आए हो? कम से कम एक आर्मी की बटालियन तो लाना चाहिए था तुम्हें। बट डोंट वरी, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही है, मैं पकड़ के लाता हूँ। कम ऑन। वकील साहब, वकील साहब, माया मैम साहब की कमर में मोच आ गई है, आपको तो नीचे बुलाया है उन्होंने। मोच ठीक करने के लिए कितना जल्दी आ गया देखा। आइए सर, आइए 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 आइए। क्या हुआ, डर लग रहा है ना? इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाकर उल्टा लटका कर मुंह पर पानी फेंक कर मारोगे या बर्फ पर लटा कर मारोगे? उससे पहले मेरी आंखों के सामने दो थप्पड़ मारो ना। कौन है ये, तुझसे बड़ा जलता है? क्या बात है, सब लोग इसके पहचान के निकल रहे हैं। ये मेरा दोस्त है। कोई दोस्त ऐसे मिलता है क्या? सच में मुझे डरा दिया। ये बता तू अचानक यहाँ कैसे? अरे ट्रांसफर हुए, 2 महीने हो गए, उत्सव के वक्त बंदोबस्त में था। ए तू क्या सुन रहा है, जाके चाय बना के ला। इस नौकर पर नजर रखना, तुम्हें फंसाने का मौका ढूंढ रहा है ये। एक और बात, वो लड़की कौन है? तुम्हारे खिलाफ कितना कुछ कहा लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। कुछ नहीं यार। ओए बासिंग, मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है क्या? और क्या, मेरी पसंद की हुई शर्ट को कोई और पहनेगा तो कैसा लगेगा? मैं को समझा नहीं। तुम जैसा समझ रहे हो मैं इस घर का नौकर वोकर नहीं हूँ, बाकियों की तरह मैं भी इस राजमहल का वारिस हूँ। माया को पटाऊंगा तो मेरे उधार चुकेंगे। तो पटा लो ना। उसे पटाना इतना आसान थोड़ी है, लोकल मॉडल होती तो बर्फी या रसगुल्ला देके पटा लिया होता। ये तो सुपर मॉडल है, बात कैसे आगे बढ़ाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो दुनिया की हर लड़की का एक वीक पॉइंट होता है, उसे जान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वकील तुम हो, तुम्हें सारे पॉइंट्स पता होते हैं, हमें थोड़ी पता है। कम से कम एक पॉइंट तो बता दो। बता दो, चलो आ जाओ। विजुअल ठीक है ना? अच्छा ये बताओ ये सब किस लिए? मेरी बहन को किसी चीज के होने का वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। माधवी पूरी तरह गलत नहीं है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और कौन हो सकता है, वो बुआ का नाटा लड़का होगा या फिर डेफिनेटली वो निखट्टू बावर्ची होगा। अच्छा कैमरा दीवार की तरफ चला गया, जरा राइट की तरफ करो। अब देखो क्या हुआ, कोई यहाँ पर खड़ा था? यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं, मैंने मॉनिटर में देखा था। इस गुड़िया की परछाई होगी और कुछ नहीं। यार इस घर में सबको वहम हो गया।
तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी ने बुलाया है। किसने बुलाया? देवी दीदी ने। अरे बकवास बंद कर, चुपचाप सो जा। अभी तक वहीं क्यों खड़ी है? आधी रात को आके बोल रही है दीदी बुला रही है, माँ बुला रही है, मुझे परेशान कर रही है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पीटोगी मुझसे। जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रही हो? बेटी इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे ये पगली कोई ना कोई पागलपन करती रहती है, लेकिन इस समय आप यहाँ क्या? वो क्या है कि थोड़ा सर दर्द हो रहा था, एक कॉफी मिल सकती है? हाँ हाँ अभी लाता हूँ। चलो बेटा तुम अपनी मम्मी के पास जाओ। इसे छोड़िए, ये पागल है, यही खड़ी रहेगी। आप चलिए आइए। सुनो, कल रात तुम किससे बात कर रही थी? दीदी से कर रही थी। माधवी दीदी से? माया दीदी से? नहीं। तो फिर? देवी दीदी से। देवी दीदी से? कहाँ पर है वो दीदी? यही सामने तो बैठी है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे वो तुम्हें ही देख रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा ये बता, वो दिखने में कैसी है? ये देखो ऐसी दिखती है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे आजा आजा, अपनी बहन की सगाई में ही। माफ कीजिए थोड़ी देरी होगी, चलिए चलिए आइए अंदर आइए। वो नहीं आए क्या? अरे वो राजमहल गए ना, बस तैयार होकर आते हैं। निकल रहा है, चलिए। हाँ चलिए चलिए। अरे जल्दी लेकर आओ भाई, हटो ना, जल्दी डालो। ये लो, ये डाल दूं सब? नहीं बाकी का मेरे सर पे डाल। क्या बात सिंह, तुम तो माया को फंसाने आए थे, यहाँ खुद ही रसोई में फंस गए। अरे जाने दो भाई, माया से शादी करने वाला लड़का शहरी बाबू होना चाहिए, या सिक्स पैक वाला होना चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, फेसबुक में फॉलोअर्स होने चाहिए, हैंडसम भी दिखना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, ये सब हमसे कहाँ हो पाएगा? इन सब के लिए तुम्हें उसका पड़ोसी बनना पड़ेगा। माया के लिए उसका पड़ोसी क्यों बनना पड़ेगा? अरे तुमने वो पड़ोसन फिल्म नहीं देखी क्या? ट्राई करने पर ट्रेन भी सड़क पर दौड़ सकती है। कोकिला नगर के हरिशंकर की बहन कुमारी स्वप्नावती का मैनूर के नागराज के पुत्र चिरंजीवी चिंतन राज के साथ कार्तिक मास की सप्तमी को विवाह संपन्न किया जाएगा, ऐसा इस घर के बड़े लोगों का फैसला है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? थोड़ा जरूरी काम है। Thanks for the coffee. कोई बात नहीं। काल मंडरा रहा है हवेली पर, काल मंडरा रहा है। इस हवेली पर कोई दुविधा है जो आसानी से नहीं मिटने वाली। इस संकट का निवारण करना बहुत मुश्किल है। इस हवेली पर बुरी शक्ति का साया है। अगर जल्द ही इस संकट का हल नहीं निकाला तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये सब सर्वनाश कर देगा। इसका दुष्प्रभाव घर के सारे लोगों का, गांव के सारे।
हेलो रवि, रवि क्या हुआ मुरली, क्या बात है? अरे अर्जेंट है, अब भी नीचे आजा। अरे पर हुआ क्या? पहले नीचे तो आओ ना, फिर बताता हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? ये हमेशा कहते थे कि मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और इनको मैंने कभी नौकर नहीं अपने सगे भाई की तरह माना था, सगे भाई की तरह। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इन्हें जिसने भी मारा है ना, मैं उसे सबके सामने ले आऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन तीनों की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया जरा सुनना, हमारे महल में कल रात आप में से कौन आया था? कल तो राजमहल में सुबेर गया था। अरे ओ सुबेर, तुझसे मिलने के लिए कोई राजमहल से आया है। क्या कहा? अरे भाग क्यों रहा है? सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। सच सच बोल, राजमहल में क्या देखा था तूने और डर के भागा क्यों था? साहब उस राजमहल में कोई मत रहना, तुरंत खाली कर देना, वरना कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? उस राजमहल में एक बुरी आत्मा का निवास है, मैं काली माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब कल रात को मैं राजमहल की तरफ गया और सबका सर्वनाश ये धीरे धीरे करेगा। नहीं इसका नहीं, सुनो सारे लोग उसने एक वैश्य की तरह उसका शिकार किया साहब, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बता, तू पहचान पाएगा वो कौन है? वो बहुत मुश्किल है साहब, लेकिन इतना तो है कि वो आत्मा एक औरत के शरीर में घुसी है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं लगती, बहुत क्रोधित थी, जो आसानी से दिखाई भी नहीं देगी। ये लीजिए साहब, ये अंडा अबूरी आत्मा की पहचान के लिए शमशान में स्थित किया हुआ है, आप इसे महल में ले जाइए, वो आत्मा किसके शरीर में है इससे उसकी पहचान हो जाएगी। क्या कहा? ये मामूली अंडा? ये मामूली नहीं है साहब, यह आत्मा को देखते ही असर दिखाएगा। वैसे भी तीन लोग मर चुके हैं, आप ले जाइए साहब। जी साहब, इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर बहुत सारी शक्तियां हैं, जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उनका अस्तित्व है। हमारे इस घर में आने से पहले ही खाना बनाने वाला कहीं भाग गया था सर, और हमें लगा कि ड्राइवर भी कहीं दारू पीकर पड़ा होगा, और वो नौकर वो तो कल रात से ही गायब था। ये सब तो हमारे लिए शॉकिंग है। घर के लोगों को बुलाओ, एक एक करके पूछताछ करते हैं। हम पे शक कर रहे हो क्या? अरे वकील साहब खुद आ गए, इन्हीं से पूछ लो। देखो ये पुलिस का प्रोसीजर है, कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा।
क्या है? लेसन 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 रुक जा अबे रुक जा, सारे गंदे कपड़े लेके कहाँ जा रहा? नदी किनारे जा रहा है क्या? नदी किनारे? बस कल ही पता चला है कि तीन नौकरों को किसी ने मारकर नदी किनारे फेंक नदी दिया है। मछलियाँ भूखी होंगी इसलिए किसी ने चारा फेंक दिया। अरे मरने वाले तीन लोग इसी महल के नौकर थे। अच्छा। अब तुम और मैं ही बस बच गए। ओए, वो सच के नौकर थे, हम तो डुप्लीकेट हैं। ये हम जानते हैं ना, वो भूत को थोड़े ना पता है। बात समझ, ये केस खत्म होने तक इस घर को छोड़कर बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए तो पूरा परिवार अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। और अब अगर हम बाहर गए तो पुलिस को हम पर डाउट हो जाएगा। इसे चल अंदर जा। हाँ, वो नौकर और वो छोटी सी बच्ची हमेशा देवी दीदी की बात करते थे। आओ ट्राई करते हैं। अरे रुको, अरे इसे धक्का मत दो, इस तरफ करो। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। सर क्या कर रहे हैं आप? सर तीन बॉडी है, आप कुछ भी करेंगे तो भी जल्दी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए सर। हाँ भाई, देवी नाम की लड़की की जांच की है। पुलिस रिकॉर्ड में देखने के बाद पता चला कि 5 साल पहले देवी नाम की एक लड़की मंदिर से गहने चुराकर यहाँ से भाग गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। बस इतनी ही जानकारी मिली। उस लड़की के घर वाले या ये देवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमारे महल के तीन नौकरों का खून हो चुका है तो सोचा देवी का कुछ कनेक्शन। कौन वो पुजारी के घर थी वो देवी? उस चोर ने तो गांव का नाम बर्बाद कर दिया था। देवी बहुत अच्छी थी, वो लोग बता रहे हैं वैसी नहीं थी। आप कौन? मैं इस गांव के पुजारी की बेटी हूँ। देवी को मेरे पिताजी ने गोद लिया था। मैंने और उसने भले ही एक ऑक्सीजन ना लिया हो लेकिन उसका और मेरा रिश्ता सगी बहनों से कम नहीं था। शहरी बाबू जो आ रहा है उसे पक्का भगा देगी ना? ये कैसा सवाल है, तू भूल गई है क्या? अब तक मैंने 52 लड़कों को रास्ते से ही भगा दिया है तो ये कैसे बचेगा? पिताजी बता रहे थे कि लड़का बहुत पैसे वाला है, कार से आ रहा है। आने दो, जो लड़का TVS 50 पर आया था उससे गाड़ी छीन कर उसे भगा दिया था, इस बार कार है और मजा आएगा। पुजारी के घर का रास्ता किस तरफ से है? पास में ही एक मंदिर है, वहाँ से मुड़ जाना। अच्छा शुक्रिया। अरे मगर पुजारी के घर जाना क्यों है? उनकी लड़की को देखने आए हैं ना। पुजारी की लड़की? ये कौन है? क्यों जी, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो जिसे चलानी आती है उसे साथ लेकर आते ना। ठीक ठाक ही चला रहा था, किसी इडियट ने मुझे पत्थर मार दिया। देखो मेरी कार गड्ढे में फंस गई है, उसे निकालने में हेल्प करोगी? हाँ, चलो। जरा और जोर से धक्का दो। देखिए गाड़ी बाहर निकालनी है, बस इतना ही ना। हाँ। चाबी को गाड़ी में ही छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन गाड़ी कैसे आएगी? थोड़ा सब्र करो ना। अब ठीक है, लेकिन आपको एक काला जादू तो नहीं करेंगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा छुप कर बैठो, कार आ जाएगी। छुप कर बैठो तो कार आ जाएगी? वैसे पहले मैंने आपको इस गांव में नहीं देखा। बचपन में यहीं रहता था, बहुत सालों बाद गांव लौटा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? किसी ने यही पत्थर फेंका था मुझ पर, इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, वो कुत्तों को इसे सुंघाएंगे और पत्थर मारने वाले को जेल तक पहुँचाएंगे।
क्या अभी इतनी छोटी सी बात का? क्या छोटी सी बात, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, छोड़ूंगा नहीं मारने वाले को। जरा सा चूक गया होता तो मेरी जान चली जाती। ये क्या, आपने तो सही कहा था, वो देखो कार को कोई बाहर निकाल रहा है। अब ज्यादा बातें मत करो, आप जाकर कार को रोको ना। यू आर राइट। हेलो, अरे भाई रुको, तुमने तो गाड़ी निकाल दी। हेलो, थैंक्स यार। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, तुम सॉरी बोल रहे हो। अरे गलती क्या, तो सॉरी बोलूंगा ना। बाय बाय बाय। इसने क्या गलती की, मेरी फंसी हुई गाड़ी बाहर निकाली। आपको लगता है वो यहाँ आपकी हेल्प करने आया था? और नहीं तो क्या? आपकी इस महंगी कार को चुराने आया था। जरा ध्यान से, इस गांव में कई चोर हैं। मामूली सामान छोड़कर कोई यहाँ वहाँ नहीं जाता। और एक आप हैं जो कार में चाबी छोड़कर गए, चोर को तो दावत थी। क्या बढ़िया गांव है, ग्रेट। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। अरे कार वाले, कार तो निकल गई है ना, तुम्हें जो पत्थर लगा हो सकता है किसी से गलती हो गई हो। छोड़ो ना, ऐसा क्या रोटना, फेंक दो ना पत्थर। जिसने मारा उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हाथ पैर तुड़वाऊंगा और कम से कम 5 साल की जेल करवाऊंगा। यहीं पर बुलाया था, कहाँ गया? हेलो, कहाँ हो? अरे ऊपर हूँ, किस तरफ देखो। मुझे आके आधा घंटा हो गया, आजकल किसी को भी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तुम इतना लेट आई हो। ठीक है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो पहले उस काम को तो निपटाओ ना, यहाँ किस लिए रुके हुए हो? पहले डील फाइनल करना है। जैसे बात हुई थी तुम्हें 300 रुपए दे दूंगी, और क्या? और क्या, काफी नहीं है? क्या चुराना है, एक छोटा सा पत्थर ना? चीज तो छोटी है लेकिन जहाँ चुराने आए हैं वो जगह बड़ी है। किसी की जेब काटने में और बैंक का लॉकर लूटने में कोई फर्क नहीं है क्या? ठीक है, मैं और 50 रुपए दे दूंगी तुम्हें। अब जल्दी अंदर जाओ और ले आओ वो पत्थर। ठीक है, 50 रुपए के लिए कितना बोलना पड़ता है? पता नहीं कहां मर गया ये। कैसे भी इस साल एक अच्छी सी लड़की देखकर मुरली की शादी करवा देते हैं। अरे इसीलिए तो माँ जी आपको मुंबई से कुलदेवी की पूजा करने यहाँ बुलवाया है। तो फिर तुरंत पूजा की तैयारियाँ करो। अरे माँ जी अभी अभी तो आप आई हैं, थोड़ा आराम कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूजा की सारी तैयारियाँ कर लेंगे। चला गया। पत्थर हाथ लगा क्या? पत्थर नहीं, बहुत सारा सामान हाथ लगा। इसे बेचकर पत्थर नहीं पहाड़ खरीद सकते हैं। तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें सिर्फ पत्थर चोरी करना था और तुम पूरा घर चुरा रहे हो। कोई हीरे का पत्थर था क्या? मामूली सा ही तो पत्थर था। इतने बड़े राजमहल में आकर सिर्फ एक पत्थर लेकर जाऊंगा तो वो इस बाल सिंह के नाम की बदनामी नहीं होगी। दिखा दी ना औकात। कुत्ते की पूंछ को साल भर नली में रखो फिर भी वो कभी सीधी नहीं हो पाएगी। मशवरा किसी और को देना, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हें अगर वो पत्थर इतना ही कीमती है खुद जाके ढूंढ लो, जाओ। कौन है वहाँ? ए, लगता है महल में कोई चोर आया है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। छोड़ेंगे नहीं उसको। सारी जगह अच्छी तरह से ढूंढो। जी अच्छा। मैं सच में चोर नहीं हूँ जी। तो फिर इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस पत्थर को लेने आई थी। वो क्यों? मैं क्या करती, आप ही ने तो कहा था कि मारने वाले को पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि वो मैंने ही मारा था ना। मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। इस तरफ से मत जाओ, ऐसा करोगी तो फंस जाओगी। मेरे साथ आओ। जल्दी आओ, जल्दी इस तरफ से। चलो छुप जाते हैं। ए, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे साथ जो खड़ी है ना उसी से पूछो। एक मारूंगी ना जमीन में घुस जाएगा। मैं तो घर के सामान को उठाने आया था लेकिन तू तो घर वाले को ही उठा रही है। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू कैसे हाउस ओनर हो? लगता है खुद ही अलमारी की चाबी उसके हाथ में दे देंगे। जहाँ ग्रिल और थ्रिल ना हो वहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं चला। देखो
अगर मैं अकेली पकड़ी गई तो लोग मुझे सिर्फ चोर समझेंगे, लेकिन अगर अब तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बातें बनाएंगे। मैं जा रही हूँ। कहीं दिखा क्या वो? पता नहीं कहाँ चला गया। क्या मुसीबत है। क्या हुआ? अब हम फंस गए हैं, क्या करेंगे? हाँ, चुन्नी उतारनी पड़ेगी। छी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूँ। वो मुझे चोर समझेंगे और पकड़ने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तब तुम दूसरे रास्ते से भाग जाना। ठीक है, आंखें बंद रखना। हाँ, आंखें बंद है ना। यही चाहिए था ना तुम्हें। ठीक है, मैं जाता हूँ। मौका देखते ही भाग जाना। उसे यही कहीं होना चाहिए था। चलो छत पर देखते हैं। अरे अरे पकड़ो उसे। चेयरमैन सर, ये राजमहल वाले हैं। माता जरूर खुशखबरी देंगी। क्या माँ, इस जमाने में भी तुम अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करती हो? तुम चुप करो। माता जी आ गई। जय हो माता दी। ये लड़की कौन है? ये पुजारी की लड़की है। 20 साल पहले मंदिर में पूजा करने के लिए इसका पूरा परिवार आया था। लौटते समय एक कार एक्सीडेंट में इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। अनाथ बच्ची को पूरे गांव ने स्वीकारा और वो पुजारी जी के घर में पली पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था, जब ये 5 साल की थी तब चंद्र पूर्णिमा के दिन माता जी इसमें आ गई और तब से हमें आशीर्वाद दे रही है। जरूर माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म होंगे, तभी उन्हें ऐसी बेटी पैदा हुई है। माता इसके जरिए हमें जवाब देती है। इस लड़की की वाणी से जो कुछ निकलता है सच होता है। जो पूछना है माता से पूछ लो। आइए माँ जी, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। आप हमारी मदद कीजिए माता, मेरी माँ की अमानत खो गई है, पूरे घर में ढूंढा नहीं मिली। घर के आंगन में ढूंढ ले। पूछे माँ जी। माता, मैंने अपनी तरफ से पूजा में कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। कई दिनों से मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। मेरे बेटे के लिए उचित लड़की कहाँ पर है ये आप ही बता दीजिए माता। डूबी है? कुछ नहीं। हाय। मेरी माँ ने जो सवाल पूछा तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं घर जा रही हूँ। जरा एक मिनट रुको, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब क्या है? आपसे मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं मंदिर और भगवान के लिए कोई और जिंदगी जी रही हूँ। आम लड़कियों की तरह मेरी जिंदगी नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद ना होता तो तुमने अभी मुझे एक थप्पड़ लगाया होता। ये सब जो तुम कह रही हो वो बस बहाने हैं। कल 4 बजे मेरी ट्रेन है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा महल में। अगर मेरे जाने से पहले तुम आकर मुझसे मिली तो मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी होगी। और अगर तुम नहीं आई तो मैं सोचूंगा मैं तुम्हें पसंद नहीं और तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा।
वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। कुछ दिनों बाद उस पर इल्जाम लगा के उसने मंदिर के गहने चुरा लिए हैं। यकीन मानिए सर, देवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उस दिन आखिर हुआ क्या था, यह तो सिर्फ वही बता सकती है। माया, हाँ? क्या बात है, यहाँ पर अकेली खड़ी हुई है? बहुत बोर हो रही हूँ। स्टोर रूम में पुरानी एल्बम है बता रहे थे, मैं तो बस वही लेने आई थी, लेकिन अंदर अकेले जाते हुए मुझे डर लग रहा है। पर वो क्यों? अगर अंदर कोई चुड़ैल हुई तो? मैं जहाँ वहाँ चुड़ैल? What nonsense यार। मतलब तुम चुड़ैल से नहीं घबराते? चुड़ैल? जरा सामने आने को तो बोलो, कान के नीचे बजाऊंगा एक। मुझे भी बहुत दिन से चुड़ैल को देखने की इच्छा है, बेचारी डर के मेरे सामने आती नहीं है। दो तीन चुड़ैल के साथ तो मैं वीकेंड मनाता हूँ। बात करती है, कमन कमन आ जाओ। अरे डरो मत, तुम अंदर आओ। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतने हिम्मत वाले होगे। क्या है ना, बचपन में मैं शमशान में बची राख से अपने दांत साफ किया करता था और हड्डी उठा के जीव साफ किया करता था। सारी चुड़ैल तो मेरी फ्रेंड है, हम सब मिलके सिगरेट फूंकते हैं। पर चुड़ैल के नाम से मुझे बहुत घबराहट होती है। दिल के अंदर की बात कहे बिना ही छोटी उम्र में आत्महत्या करने वाली डरपोक लड़की ही चुड़ैल बनती है, और दिल के अंदर जो होता है उसे झटपट इजहार करने वाले तुम्हारी तरह हिम्मत वाले इंसान उन्हें देखकर कैसे डर सकते हैं? तो आपने इजहार कर दिया क्या? बस कहने ही वाला हूँ, तुम भी जल्दी कुछ सुनने वाली हो। उसका सही समय बस आ ही गया। बासिंग, एल्बम मिल गई, तुम बंद करके आ जाना। तो फिर ये कौन है? सामने देखेगा तो कान के नीचे बजाएगा। अरे बाप रे, मैंने अपने से छोटे के कान पे कभी नहीं बजाया, चुड़ैल के कान पे कैसे बजाऊंगा? हड्डियों से तू अपनी जीभ साफ करता है ना? वो तो एक फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया, माफ कर। चुड़ैल देखने की बहुत इच्छा थी ना? इच्छा तो हिरणों को देखने की भी होती है, वो तो कभी पूरी नहीं हुई। बॉस, आप फटेहाल में यहाँ क्यों पड़े हुए हो? बॉस, आपको और माया को जब इस रूम में जाते हुए देखा तो मैंने सोच लिया था कि आपका क्या हाल होने वाला है। क्या सोचा था? चिंगारी और बारूद साथ में रहोगे तो क्या होगा, आग ही लगेगी ना। चुड़ैलों जैसी हरकत की है। यही है, आप नहीं जानते कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। लगता है आपने इसे नाराज कर दिया है। कौन, मैं? तू भी क्या समझ रहा और क्या बोल रहा है? रुको पास, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। एक सुंदर कन्या को देखकर कोई भी मर्द आसानी से भटक सकता है। अब जो हो गया उसे भूल जाओ और वो जो कहते हैं उसे मान जाओ, और कोई चारा नहीं है। तुम ही सोचो अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा। मर्द हो तो क्या, गलती करने का हक मिल गया? मेरा ये मतलब नहीं था। थाई मसाज का नाम तो सुना होगा, ये चुड़ैल मसाज है, मजे ले। मुझे मर्दों का गुलाम बनना होगा। चुड़ैल का मजाक उड़ाया ना तूने, आज तेरा मजाक बनेगा। आपने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? अरे मुझे कहने ही कहा दिया तूने? चल निकल निकल निकल। अभी खत्म नहीं हुआ क्या? थोड़ा रेस्ट ले लेते। आपके लिए मैं कह रहा हूँ। ये फट कैसे गई? यहाँ हुआ क्या? बॉस, हम लोग स्टोर रूम में कैसे आ गए? बहुत पुराने हो गए ना, इसलिए उठाकर फेंक दिया होगा। ए, इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। अभी तो हमने सिर्फ लेवल 1 का ट्रेलर देखा है, लेवल 2 शुरू होने से पहले इस घर से निकल लेते हैं। माधवी, यहाँ आओ। हम सब लोग साड़ी खरीद रहे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है ये बताओ। जो डिजाइन आपको पसंद है वो मुझे बता दीजिए। अरे गुमसुम क्यों खड़ी हो, बताओ कौन सी पसंद है। ये देखिए, ये रंग आप पर बहुत जचेगा।
रामिया। हाँ एक मिनट। ये पैसे रख लो। अरे नहीं शुक्रिया मैडम, आपके भैया दे चुके। कोई बात नहीं ले लो, और चाहिए हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं माफ कीजिएगा, लेकिन आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप चाहे तो एक और साड़ी खरीद सकती हैं। तुम्हारी देवी देती तो भी नहीं लेती। देवी? रम्या मेरी कोई भूल नहीं थी, पहले उन्होंने धोखा दिया और फिर मेरी जान ले ली। उस दिन तुम्हें तो याद ही होगा मैं कितनी खुश थी जब मैं मुरली से मिलने जा रही थी। उस वक्त मंदिर के चेयरमैन मुझे एक जरूरी काम बताकर मंदिर ले गए। वो क्या है ना, मुझे कुछ जरूरी वो बात काम कर लेना, पहले कार में बैठो, बैठो। ना कहने पर भी मुझे वो जबरदस्ती बैठा कर ले गए। मंदिर जाकर पता चला कि किसी ने माता के गहने चोरी करके नकली गहने रख दिए थे। मंदिर के सारे मुखिया मिलकर उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, ट्रस्ट में चेयरमैन के साथ हम दो तीन लोग ही तो हैं। अगर पुलिस केस किया तो हम लोग ही फंस जाएंगे। उन नकली गहनों को छूते ही मुझे पता चल गया कि चोरी किसने की थी। के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हम लोगों से आप चिंता मत कीजिए, असली गहने मिल जाएंगे। हरिशंकर को रास्ते में रोककर मैंने उसे गहने लौटाने के लिए कहा। मुझे इस तरह से बीच रास्ते में रोकने का मतलब? पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया और फिर उसने जो हैवानियत दिखाई उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कब तक मंदिर के भरोसे तुम ऐसे जीती रहोगी? सोचो के कुछ हुआ ही नहीं, चुपचाप 10 लाख रुपए लो और यहाँ से दबा जाओ। सबको अपनी तरह मत समझो, कल तक अगर तुमने वो गहने नहीं लौटाए तो तू मुझे धमकी देती है। तेरी जहाँ मर जाकर जो मिल रहा था वो ले लेती तो बाकी की जिंदगी आराम से गुजरती। मेरे लिए वो पत्थर भगवान नहीं, सिर्फ पैसा ही भगवान है। अरे शंकर, गाड़ी खराब हो गई तो चलो हमारी गाड़ी में आ जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं भैया, हल्के होने के लिए रुके थे, आप जाइए। ऐसा है? हाँ सच में। ठीक है चलता हूँ, चलो उसे खत्म कर देते हैं। चली गई? कहाँ गई? अरे यहीं पर तो थी। पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई, ढूंढो उसे। कितनी खुशी की बात है बेटा, देवी बहुत किस्मत वाली है। एक काम करो, अपनी माँ को ये बात बता दो और शादी की तैयारी करो। अरे अभी तो मैंने बस इजहार किया है, उसके दिल में क्या है ये जानना बाकी है। देखते हैं यहाँ आती है या नहीं, फिर पता चल जाएगा। अरे तुम्हें कौन मना कर सकती है बेटा, वो भी तुम्हें जरूर चाहती होगी। हेलो मुरली। हाँ आओ चलते हैं। माँ मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो। मैं आ जाऊंगा। इसे ये गांव पसंद आ गया है, अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। आप चलिए मैं लेकर आता हूँ, चलिए। ठीक है मैं आगे चलती हूँ। भाई साहब इसे जल्दी लेकर आना। ठीक है माँ जी। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ, संभल कर जाइएगा। तो तुम आ गई देवी, मुरली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें चोट कैसे लगी? जंगल में मेरा पैर फिसल गया था। तुम बैठो मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो सब नहीं चाहिए मुझे, बस उनसे। इतनी जल्दबाजी क्या है देवी, वो बस नीचे आता ही होगा। तब तक मैं हल्दी दूध लेकर आता हूँ, तुम्हारा जख्म भर जाएगा। भैया। अरे तुम यहाँ पर हो बेटी? हरिशंकर आ रहे, मैं यहाँ हूँ, ये उन्हें मत बताना। क्यों बेटी? वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, उन्होंने ही वो गहने चुराए। ये क्या किया? तो और मैं क्या करूँ? अच्छा हुआ ये सीधी यहीं चली आई, किसी और ने इसे दिखाया? चिंता मत करो, कोई और इसे देखे, मैंने पहले ही से यहाँ रोक दिया। क्या हुआ मालिक? ओ आप यहाँ पर हैं, तैयार हो गए आप? अरे हरिशंकर जी है? आपने तो कहा था आप मुझे सीधा स्टेशन पर मिलेंगे। वो क्या है ना मुरली, कि एक जरूरी काम याद आ गया इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना बेटा, इतना बड़ा महल इनके हवाले करने जा रहे हो तो मैंने सोचा कि इन्हें सब कुछ समझा दूंगा। चलो अच्छी बात है, माँ जी ने 4-5 बार फोन किया है, आप जल्दी जाइए। हाँ बेटा ट्रेन का टाइम हो रहा होगा, आप जल्दी निकलिए। भैया यहाँ ये ना। क्या है बेटा?
क्या भैया, सब कुछ जानकर भी आप मुझे जल्दी जाने को कह रहे हैं? मैं देवी से मिले बिना नहीं जा सकता। बेटा, उसे पता था कि आज तुम जा रहे हो। अगर वो तुम्हें पसंद करती तो अब तक आ चुकी होती। अब आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढो। नहीं, मैं जानता हूँ वो पसंद करती है मुझे। देखना, वो जरूर आएगी। बेटा, ट्रेन निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की बचपन से अनाथ है, उसके हक की कोई खुशी उसे नहीं मिल पाई। लेकिन अब उसे जो जिंदगी देने का फैसला मैंने किया है, उससे उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देगी। उसे जिंदगी से प्यार हो जाएगा। मेरा दिल कहता है वो यहाँ आज मुझसे मिलने जरूर आएगी। मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं बस एक बार उसका हाथ थामना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ मुझे उससे कितना प्यार है। गांव की लड़की है, इसलिए आपसे बात करने के लिए शर्मा रही होगी। मैं बात करूंगा उससे। लेकिन भैया, मुरली, तुम्हारी माँ बहुत देर से वेट कर रही है। बेहतर होगा तुम जल्दी चले जाओ, देर हो रही है। जो भी वो कहेगी मैं आपको बता दूंगा, फोन करके आपको खुशखबरी दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए यही बेहतर है कि आप चले जाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्यों हरिशंकर जी, कोई और जगह नहीं मिली क्या? अबे, आज से राजमहल बंद होने वाला है। अगर इसे यहाँ दफन कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो मिट्टी डालो इसके ऊपर। अरे ये क्या, ये तो अभी भी जिंदा है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो। क्या यार, कितना भी मारो ये मरती ही नहीं है। ए, क्या कर रहे हो, ये वैसे ही मर चुकी है। चलो मिट्टी डालो इस पर, दम घुट के मर जाएगी। मैंने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन उन्हें जरा भी दया नहीं आई। जिंदा दफन कर दिया उन्होंने मुझे। अब हरिशंकर ही रह गया है। उसे मारने के बाद मुरली की पत्नी बनकर हमेशा इसी शरीर में रहूंगी। तुम्हारे बदले की आग में ये लड़की भी जल जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैंने जिस जिंदगी की ख्वाहिश की थी वो जिंदगी मात भी जी रही है, ये तू भी जानती है। उस दिन मेरे सपने चूर चूर होकर बिखर गए। जरा सोच, दो मिनट पहले अगर मैं मुरली से मिलने के लिए निकली होती तो वो चेयरमैन मुझे उस दिन मिलता ही नहीं। मेरी मुरली से मुलाकात भी हो जाती और मैं यहाँ राज करती। अब तुम ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ माधवी के साथ? कल सूर्य ग्रहण है, उस दौरान अगर हमारा मिलन हो गया तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा और मैं इस शरीर से कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं।
मुरली ये क्या हो गया? चलो अस्पताल चलते। अरे इतनी छोटी सी चोट के लिए? अरे कांच अगर अंदर रह गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी करो। क्या बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे मालिक, छोटे मालिक के हाथ पे खून। मैं अरे बैलगाड़ी क्या निकालोगे, तुम घर पर ही रहो। क्यों? तुम्हें आने की क्या जरूरत है? अकेला कैसे छोड़ दूं मैं इन्हें? चलो चलो। काफी खून बह गया है, ठीक से ड्रेसिंग करो। डॉक्टर क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, दो दिन के बाद। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर कि छोटे से जख्म के लिए ही नहीं या दो दिन रुकना पड़ेगा? कांच के चुभने से नसें कट गई हैं, खून बिल्कुल नहीं रुक रहा। 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने रिक्वेस्ट की इसलिए झूठ बोलकर एडमिट करवाया, लेकिन आपने मुझसे ये करवाया क्यों? ताकि उसकी जान बच सके डॉक्टर। ये लीजिए ये एडमिशन फॉर्म। डॉक्टर मेरी बहन को देखा आपने? वो तो कब की चली गई? चली गई? माधवी, माधवी, कुछ पता नहीं चला? अगर तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सबके सब निकम्मे हो। पुलिस वालों को अपने इंक्वायरी करने दो। अगर वो मेरे आदमियों तक पहुंच सकता है तो उसे मुझ तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फोन रख। आप यहाँ इस वक्त? वो क्या है ना, मुरली को चोट लग गई है हाथ में। अच्छा? मैं अस्पताल गई थी, लौटते वक्त गाड़ी खराब हो गई। अरे तो आइए ना गाड़ी में बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। अरे शंकर फोन उठाओ, फोन उठाओ। आज सुबह से पुलिस स्टेशन और अस्पताल के चक्कर काट रहा हूँ। मेरे 3 नौकर मारे गए, मारने वाले का कोई पता नहीं चल रहा। उसे एक बार मेरे हाथ लग जाने दो फिर देखता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। कौन? अरे मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। माधवी तुम्हारे साथ है? हाँ है ना, बात करनी है। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, तुम अभी उससे दूर हो जाओ। आप क्या कह रहे हैं? अरे अरे वो मेरी बहन नहीं है, वो देवी है जिसे तुमने मारा था। माधवी में देवी की आत्मा घुस गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो समझ में नहीं। हरिशंकर हरिशंकर मुझे पहचाना तो नहीं? अब पहचाना? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं भी इसी तरह गिड़गिड़ाई थी। अंदर क्यों नहीं आती? तुझे एक बार मरने से चैन नहीं आया? जो फिर से मरने चली आई। एक बार मेरे लोगों को आ जाने दे, फिर तुझे बताता हूँ। तुझे बचाने कोई यहाँ नहीं आएगा, तू तो मरेगा।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं भी जिंदा रहना चाहती थी, पर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी, मार डाला ना मुझे। अब तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को हम काबू में नहीं कर सकते साहब, और ऊपर से वो दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ है, इसलिए उसकी आत्मा बहुत क्रोधित है। अगर शरीर और आत्मा को अलग करना है तो किसी दिव्य शक्ति वाले महान इंसान की मदद लेनी चाहिए। मुकुरधाम में एक स्वामी जी हैं जो यज्ञ करवा रहे हैं। उन्हें पूछेंगे तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। हेलो, क्या हुआ? देवी तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। मैं समझा नहीं। मुरली को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के ले गए। अरे बाप रे, स्वामी जी को लाने में तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक उन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए साहब। मैं कुछ सोचता हूँ, आप जरा रुकिए साहब। बाबूजी, बेटा अपनी बहन के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या रवि, आज के जमाने में तुम आत्मा की बात कर रहे हो? अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इसे अपने हाथ में रखो और उसे ध्यान से देखो। ये लड़का भी, अरे एक बार कोशिश तो कीजिए। देखना ये भी डांटेगा। मैं खुद नहीं आया भाई, तुम्हारी बहन ने जिद की और डिस्चार्ज करवाया, इसीलिए आना पड़ा। वरना तुम तो जानते हो मैं तो आज रात वहीं रुकने वाला था। मेरी तरह इनका अस्पताल में कोई ख्याल रख पाता? जैसे तुम्हारे लिए मुरली जरूरी है, वैसे ही माधवी मेरे लिए जरूरी है। ये क्या था बेटा? किसी और लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। आपने जिसे देखा वो देवी, जिसे सालों पहले कुछ लोगों ने मार दिया हो, वो वापस इस दुनिया में क्यों आई होगी? हाँ सर, मुरली के लिए आई है। आज रात अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो वो माधवी के शरीर में हमेशा के लिए बस जाएगी, और हमें उसे रोकना है। अरे भाई, जैसे ये बात हमें बताई है, वैसे ये बात मुरली को क्यों नहीं बता देते? इससे मुरली की जान जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसे जरा भी भनक पड़ी कि हम सच्चाई जानते हैं तो हमारी भी जान जा सकती है। देवी की आत्मा को रोकने के लिए मुझे स्वामी जी से मिलना होगा। तब तक उन दोनों को अलग रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। स्वामी जी किस लिए? तुम कहीं भी मत जाओ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि वो दोनों दूर रहें। अगर उन्हें रोक भी लिया तब भी खतरा है। कल सुबह सूर्य ग्रहण है, तब तक अगर हमारा मिलन हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मुरली को जान से मार दूंगी। यहाँ जो जिंदगी नहीं मिली वो हम वहां जिएंगे। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हुई तो हमें माधवी कभी वापस नहीं मिलेगी। मेरी बहन की जिंदगी और मुरली की सुरक्षा अब आप ही के हाथों में। बॉस, चुड़ैल को शरीर से अलग कर दे। बोल तो तू ऐसे रहा जैसे बर्तनों को अलग करना है। रोमांस करते हुए इंसानों को डिस्टर्ब करो तो कितना गुस्सा आता है, तू सोच भूत को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? पता नहीं आज कितने लोग भूत बनने वाले हैं। हाँ बोलो सर। अच्छी तरह से चेक कर लिया है, सिर्फ कार ही है, अंदर कोई नहीं है, मोबाइल टूटा पड़ा है। तुम लोग रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या बॉस, उन्हें अलग करने के लिए दूध में दस्त की दवा मिला रहे हो? प्रेमियों को अलग करने के लिए दस्त की दवा नहीं मिलाऊं तो क्या चूहे मारने की दवा मिलाऊं? अगर ये दोनों पी लेते हैं तो बेडरूम में नहीं रहेंगे, बाथरूम में बैठते बैठते टाइम पूरा हो जाएगा। सुपर, लेकिन मुझे एक डाउट है, चुड़ैल को जुलाब होता है क्या? एक काम करो, इसे चुड़ैल को देकर पूछ लो। मैं नहीं, इतने सारे लोग हैं तो मैं क्यों चुड़ैल के पास जाऊं? वो अपने रिश्तेदार को कुछ नहीं करेगी, बेहतर है तुम ही लेके जाओ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सब लोग साथ में चलते हैं। अगर तुम नहीं गई तो यही दूध मैं तुम्हारे पति को दे दूंगा, और इसे पीकर रेंगते हुए वो तुम्हारे पास आ जाएगा। उससे तो अच्छी चुड़ैल ही है। जाओ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट आंटी, उसे देते समय केयरफुल रहिएगा, और अगर उसे जरा भी शक हुआ तो बगीचे की तरफ भाग जाइएगा। अच्छा आइडिया है, तुम भी जाओ जाओ जाओ, साथ में जाओ, दोनों जाओ जाओ। Oh,
आज तक अपने पति को कभी चाय नहीं पिलाई और ये लोग मुझे चुड़ैल को चाय पिलाने के लिए कह रहे हैं। सुनो, वाह क्या लग रही हो। मैं आज की रात का कब से इंतजार कर रही थी। मुरली, मुरली। क्या हुआ बेटा? सोने से पहले तुम लोग ये चाय जरूर पी लेना। अरे बुआ, सोने से पहले चाय कौन पीता है? अरे ये सादी चाय नहीं है, ये स्पेशल चाय है। बुआ इस वक्त मूड नहीं है। अपने बुआ के लिए ये चाय पी लो ना। अरे प्लीज पी लो। नहीं चाहिए। इन्होंने मना किया है ना? ये क्या कर दिया? वो क्या है ना, जब से अंकल के सिर पर चोट लगी है ना, तब से आंटी ऐसी ही हो गई है। सॉरी। हाँ चलिए आंटी, चलिए। सुनो, तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है, चेंज कर लो। पता नहीं बुआ को क्या हो गया। क्या हुआ? दूध पी लिया ना? चुड़ैल बाथरूम चली गई क्या? तुम्हारा आइडिया काम कर जाता अगर आंटी ने दूध नहीं गिराया होता। छोटा सा काम, उसे बिगाड़ कर देखो कैसे अकड़ रही है। अरे देख क्या रही हो, एक तो काम बिगाड़ दिया, ऊपर से बैटरी फ्यूज चाइनीज पुतले की तरह खड़ी हुई हो। पागल नहीं तो। अरे इसे दिल का दौरा पड़ गया है, मुरली जल्दी आ जा। दिल का दौरा? ले जाकर इसका सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे और जेरॉक्स सब निकलवा। चलो चलो, हम भी आते हैं। चलो, अरे जल्दी चलो बेटा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसे लेकर दूर चला जा। मुझे मरवाना चाहती हो? नहीं, लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। दरअसल वो दिल का दौरा नहीं था, गैस ट्रबल था, लेकिन अब ठीक हो गया। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सो जा रहा हूँ। अपने परिवार की नजरों के सामने उन्हें छोड़कर तुमने समझदारी का परिचय दिया है। परिवार वालों के सामने वो अपने असली रूप में नहीं आएगी, लेकिन अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करेगी। पूर्ण शक्ति की प्राप्ति के बाद हम उसे रोक नहीं पाएंगे। पूरे 150 साल बाद इस महाशिवरात्रि पर एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और उस सूर्य ग्रहण के साथ ही वो समय आरंभ हो जाएगा जिसके मध्य में दिव्य शक्तियों की तुलना में दुष्ट शक्तियों का प्रभाव अधिक होगा। और इस समय के मध्य में यदि उनका मिलन हुआ तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने ये दिन चुना है। उसे कैसे रोके स्वामी? इसके केवल दो ही विकल्प हैं। पहला, उस दुष्ट देवी की आत्मा तुम्हारी बहन के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाए, जिसकी संभावना नहीं है। और दूसरा रास्ता? माताओं की मूर्तियों को त्रिवेणी संगम में उतारा जाए और उसी समय वो लड़की भी जल में उपस्थित हो तो माता की शक्ति उसे बंदी बना सकती है। ठीक है, मैं मुरली को वहां ले जाता हूँ। रुको, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ग्रहण आरंभ होगा उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी और धीरे धीरे वो बढ़ती ही चली जाएंगी। उसे रोकना तुम्हारे वश में नहीं होगा, इसलिए मैं भी चलता हूँ। अरे बाप रे, वो दोनों दोबारा कमरे में चले गए। तुमने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। अच्छा चांस? किसी फिल्म स्टार के साथ समोसे खाने का चांस थोड़ी मिला था। जीप चलाने वाली चुड़ैल थी, मेरा समोसा बना के खा जाती तो। अरे हम लोग कुछ दिन में जाने वाले थे, अब तो यहीं फंस गए। तुम लोग यहाँ नहीं आते तो आज ये दिन ही देखना नहीं पड़ता। वाह क्या लग रही हो, बिल्कुल किसी गांव की छोरी की तरह। मुझे पता है तुम्हें इस तरह के लिबास पसंद है। बेचारा मेरा भतीजा भूत का चारा बनने वाला है। अरे कुछ हा? करो। यहाँ मेरे होते हुए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ डायलॉग मारो, करो कुछ नहीं।
मैं सीधे मुरली के रूम में जा रही हूँ, जिसे आना है आओ। तुम्हें अकेले वहाँ भेजू, मैंने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हम सब एक साथ जाकर उस चुड़ैल पे अटैक करेंगे। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, चुड़ैल को जिन जिन चीजों से डर लगता है वो सब हम पहले ही हाथ में रख लेंगे। जूते खाना है क्या? मेरा मतलब है वो शायद जूतों से डरती है। वेरी गुड, नेक्स्ट। भगवान की तस्वीर, नींबू और कुमकुम, गंगा जल। देन व्हाई वेट, टेक ऑल द वेपन्स। आज के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ए, चलो उठाओ इसे, चलो चलो। आंटी, तुम सब लोग निशाना लगाने के लिए मेरे ही कंधे का इस्तेमाल करो। ए, रोको! अरे गाड़ी रोको, कहाँ लेके जा रहे हो तुझे? मैंने तुझे अस्पताल अस्पताल ले जा गाड़ी रोको, रोक गाड़ी को, एक्सीडेंट हो जाएगा, रोक गाड़ी को। अरे बाप रे, अरे क्या कर रहे हो? कहाँ गई? ढूंढना पड़ेगा उसे। हेलो। अचानक तुम्हारी बहन गुस्से में महल से बाहर निकल गई। जब हम बेडरूम में आए तो मुरली बेहोश पड़ा हुआ दिखा, कितना उठा रहा लेकिन उठ नहीं रहा। एक काम करो, घर के सभी सदस्यों को घर से बाहर ले जाओ। मुरली को भी साथ लेकर जाए क्या? यह संभव है, तुम सब बाहर निकल जाओ। ग्रहण आरंभ हो चुका है, हमारे पास समय बहुत कम है। शक्तियों का प्रभाव इसे यहां से निकलने नहीं देगा, बंधन तोड़ने होंगे। जाओ। क्या हुआ स्वामी जी? वो लौट रही है। Thank you.
आ गई वो। मुझे इसी महल में बुलाना चाहते थे ना? लो मैं आ गई, लेकिन तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। माधवी, रुक जाओ। मुरली, तुम जाओ यहां से। स्वामी जी, अब ठीक है? ये हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। चलो चले। महाकाली शिवरात्रि शिवम 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 शिवे सावित्रे शिवचंडी शिवचंडी सावित्रे ओम महाकाली 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 जागते। इस तरह अपनी बहन को बचा लोगे? मुरली को छोड़ दो, नहीं मानोगे? माधवी, इस सब का क्या फायदा अगर तुम्हारी बहन ना बचे? रुक जा माधवी, रुक जा, देखो ऐसा मत करो। माधवी, हमारे पास केवल 15 मिनट का समय है, तुम एक काम करो, इन्हें लेकर संगम पर पहुंचो। लेकिन स्वामी जी, मेरी बहन। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। जब तक ये अग्नि प्रज्वलित है, मैं इसे यहीं रोके रखूंगा। तुम जल्दी जाओ। मुरली चलो। लेकिन माधवी, उसे स्वामी जी संभाल लेंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। सकुंगुम विलेपनम अलिगजम कस्तूरिकम समंदकसिदेशनम सचरसावपासांगुसम अशेषजनमोगिनी अरुणमाल्य पूजांबरम जपाकुसुमपासुराम जपविदोस्मरे अंबिका। शक्ति दायिनि जगकल्लायिनि जगदम्बे की जय हो।
करती मेरे माता, दुष्टों का नाश करती हो माता तुम, कष्टों का अंत करती हो माता, तुम ही रक्षा करती हो माता तुम, सबकी चिंता तुम हरती हो माता। तुम्हारा खेल खराब, मुरली मेरा पैर फंस गया। उस दुष्ट देवी की आत्मा तुम्हारी बहन के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाए। हमारी माधवी माँ बनने वाली है, ये तुम उसे बताओगे ना? माधवी रुक जाओ, वरना तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप मर जाए। हाँ माधवी, आज ही डॉक्टर का फोन आया था, तुम्हें ये खुशखबरी देने का मुझे मौका ही नहीं मिला। Three!